नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 के घर में पहले से ही माहौल काफी गर्म है। इस बीच शो में तड़का लगाने दो वाइल्ड काइट कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने जा रही है, जिसके आने से बीबी हाउस में पहले से ज्यादा उथल पुथल अब देखने को मिल रही है। एक कंटेस्टेंट्स अपने ग्लैमर का तड़का लगाएंगी तो दूसरा रोमांसी अभिषेक कुमार के दिल में आग लगाने आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि कौन ये दोनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स। बिग बॉस 17 के घर में दो कंटेस्टेंट्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, जिनके नाम समर्थ जुरैल और मनसवी मगमगई हैं। मनस्वी पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं, जबकि समर्थ एक एक्टर हैं जो ईशा मालविया के साथ सो उड़ारिया में नजर आए थे। बीबी हाउस में एक्स कपल ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बीच आए दिन लव हेट एंगल देखने को मिलता रहता है। अब ईशा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल की भी एंट्री होने जा रही है, जो घर में कई नए ट्विस्ट लेकर आएगी। खबर है कि ईशा और समर्थ डेटिंग कर रहे हैं। लेटेस्ट प्रोमो में समर्थ ईशा के बारे में अपने जज्बात बयां करते हुए नजर आए। समर्थ कहते हैं कि ईशा से पहले मेरी मुलाकात हुई थी भोपाल में, ईशा और मुझे एक साल हो गया है, हम बहुत खुश हैं। उनकी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो और ईशा पिछले एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बता दें कि ईशा अभिषेक कुमार को भी डेट कर चुकी हैं। हालांकि एक्टर की पजेसिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। बिग बॉस के घर में अक्सर उनके ब्रेकअप का मुद्दा उठा रहता है। बात करें दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स मनस्वी मगमगई की, तो वो पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। दिल्ली में जन्मी 34 साल की मनस्वी का बीवी 17 में एंट्री को लेकर काफ़ी चर्चा है, मगर एन मौके पर एक्ट्रेस ने शो में आने से इनकार कर दिया है। वजह पूछने पर उन्होंने हेल्थ इशू बताया है। अब फाइनली उनकी एंट्री होने जा रही है। कई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने के बाद मनस्वी ने बॉलीवुड में भी काम किया है। मनस्वी अजय देवगन के साथ फिल्म एक्शन जैक्शन से डेब्यू कर चुकी है। उन्होंने काजोल के साथ वेब सीरीज द ट्रायल में भी काम किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।